दुनिया भर में इस्लामी तालीम के लिए विख्यात दारुल उलूम के छात्र अंग्रेजी या फिर किसी दूसरी भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। दारुल उलूम में पढ़ने के दौरान छात्र ऐसा नहीं कर सकेंगे, ये फरमान दारुल उलूम ने जारी किया है। आदेश ना मानने वाले छात्र को निष्कासित कर दिया जाएगा। दारुल उलूम का कहना है कि मदरसा हमारा दीन है, हमारी दुनिया नहीं, इसलिए छात्र पहले अच्छे आलिम दीन और फिर उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील बने, क्योंकि दो कश्ती में सवार होने वाला कभी भी मंजिल नहीं पा सकता। दारुल उलूम ने कहा कि वो अंग्रेजी कंप्यूटर या आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं करता, बल्कि संस्था के अंदर बाकायदा इसके विभाग भी हैं, लेकिन बाहर या फिर अपने तौर पर शिक्षा हासिल करने के कारण दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेने के मकसद से छात्र भटक रहे हैं और इसलिए छात्रों को अभी उसी शिक्षा पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने ये एडमिशन लिया। फरोला महापंचायत बुलाने वाले संगठनों की मांग थी कि उत्तराखंड में हिमाचल की तरह भू कानून, लव जिहाद और लैंड जिहाद रोकने के लिए कानून, गैर हिंदुओं को चारधाम यात्रा से दूर रखना, वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त किया जाए या फिर इसी के तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाया जाए। परिषद की ये भी मांग थी कि पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए और जो भी नाम बदलकर कारोबार कर रहा है या किराए पर रह रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई के साथ ही मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम मांगे जिसको लेकर यहाँ पर महापंचायत की जानी थी, लेकिन फिलहाल इस पूरी महापंचायत पर रोक लगा दी गई। धारा 144 भी लागू है जिसके चलते यहाँ पर बाजार बंद रखने के भी ऐलान किए गए। और अब आपको अब तक का घटनाक्रम भी बताते हैं। उत्तराखंड में विशेष समुदाय के लड़कों पर गंभीर आरोप लगे, नाबालिग लड़कियों को गुमराह कर भगाने की साजिश के आरोप लगे। 15 मई को विशेष समुदाय के युवक पर पुरोला में आरोप लगाया गया और नाबालिग लड़की को अगवा करने का यहां पर आरोप लगा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय रहते लड़की को वहां से बचा लिया गया। विकास नगर और कर्णप्रयाग में भी ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं। हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम संगठनों ने भी जवाब में महापंचायत का ऐलान किया। 18 जून को इस महापंचायत का ऐलान मुस्लिम संगठनों द्वारा किया गया है। प्रशासन ने दोनों ही महापंचायत को इजाजत नहीं दी जिसके चलते हिंदू संगठनों ने पुरोला में जो महापंचायत बुलाई थी आज के दिन वो रद्द कर दी गई है। महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जातिगत जनगणना की मांग उठाते हुए यूपी कांग्रेस आज से बड़ा सम्मेलन करने जा रही है और इसी को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बड़ा प्लान भी तैयार कर रही है। यूपी कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर मंडलवार जाति जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन करने जा रही है जिसके जरिए पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी और इसकी शुरुआत आज से आगरा मंडल से होगी। दरअसल कांग्रेस ने यही फॉर्मूला कर्नाटक में भी अपनाया था जहां पर उसे बंपर जीत मिली और उसी के आधार पर अब कांग्रेस यूपी में इसी पर काम करना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा के चौमू गांव में वन विभाग ने विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू किया और बताया जा रहा है कि ये किंग कोबरा गौशाला में छिपा था। ग्रामीणों ने जब इसे देखा तो दहशत मच गई जिसके बाद मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद किंग कोबरा को यहां पर रेस्क्यू किया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 घंटे के लगातार मशक्कत के बाद यहां पर इस किंग कोबरा को रेस्क्यू किया गया। गौशाला के अंदर ये सांप छिपा हुआ था। सांप को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे का समय यहां पर लग गया इस किंग कोबरा को वहां से रेस्क्यू किया। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।